नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि हमारे अंतरिक्ष के बारे में सबसे ज़्यादा कौन जानता है, तो मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग नासा का ही नाम लेंगे और यही बोलेंगे कि नासा से ज़्यादा अंतरिक्ष के बारे में कोई जान ही नहीं सकता। असल में बात ऐसी है कि हमने कभी अंतरिक्ष को देखा नहीं, तो हमें जैसा बोला गया हमने वैसा ही मान लिया। तो इस वीडियो में मैं आज ये साबित कर दूंगा कि इंसान आज तक चांद पर नहीं गया। तो इस वीडियो से पहले मेरे मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन वाली घंटी को बजाना ना भूलें, वरना माता रानी पाप लगाएगी। और हाँ, जानेगा इंडिया तभी तो मानेगा इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं कि नासा ने 1969 में एक स्पेसशिप लॉन्च किया था जिसका नाम था अपोलो 11। इस स्पेसशिप में बैठे कुछ लोगों ने चांद पर कदम भी रखा था और उस पर अमेरिका का झंडा भी लहराया था। और जब ये सब हो रहा था, इन सब के होने के बाद नासा ने बहुत सारे वीडियोस और फोटोज रिलीज किए थे। इंसान इस वीडियोस और फोटोज के झांसे में आ ही गया था, लेकिन जब ये फोटोज और वीडियोस मूवी डायरेक्टर्स और साइंटिस्ट ने देखा तो उन्हें इन पे शक हुआ और नासा के खिलाफ सवालों के सिलसिले शुरू हो गए, क्योंकि वीडियोज और पिक्चर में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिन पर देख कर इन पे भरोसा नहीं हो रहा था। और कुछ तो चीजें ऐसी थी जो अंतरिक्ष में होना नामुमकिन है, और ये सब चीजें किसी भी तरीके से अंतरिक्ष में नहीं हो सकती। तो आखिर ये वीडियोस में आ कैसे गई? कुछ साइंटिस्ट ने तो ये कहा है कि अपोलो 11 कभी लॉन्च नहीं हुआ था, और कुछ डायरेक्टर्स ने ये कहा है कि ये सभी एक फिल्म सेट पे शूट किए गए वीडियोस और फोटोज हैं। बहुत से लोगों को तो ये भी लगता है कि ये सब अफवाह इसलिए फैलाई गई ताकि अमेरिका रशिया से चल रहे अपने कोल्ड वॉर यानी मैं बरा वाली लड़ाई को आसानी से जीत सके। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही बातों पर रोशनी डालेंगे कि आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इंसान ने चांद पर कदम रखा था या नहीं। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल, अगर अपोलो 11 सच था तो चांद पे कदम रखने वाले पहले इंसान का नाम नील आर्मस्ट्रांग, तो दूसरे इंसान का नाम क्या था? इस नाम को कमेंट में लिखें और बताएं और हमारे नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट पाएं। तो हमारी लिस्ट का पॉइंट नंबर 1 है झंडा यानी फ्लैग। इस वीडियो में ऐसा लगता है कि एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका का झंडा लगा रहे हैं, पर चौंकने वाली बात तो ये है कि झंडा लहरा रहा है। ये चौंकने वाली बात इसलिए है क्योंकि चांद पे एटमॉस्फेयर का कोई नामो निशान नहीं है, फिर भी झंडा लहरा कैसे रहा है? जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी चीज को लहराने या फिर उसे हिलाने के लिए हवा की जरूरत होती है, फिर ये चांद पे हिल कैसे सकता है जबकि चांद पे एटमॉस्फेयर का कोई नामो निशान नहीं है? नासा ने इसके जवाब में ये कहा कि झंडे को जिस कंटेनर में रखा गया था वो एयर कंप्रेस था, तो जब झंडे को बाहर निकाला गया तो झंडे के चारों तरफ हवा पहले से जमे थे और उन्हें निकलने में कुछ समय लगा, जिसके कारण झंडा लहराता हुआ दिख रहा है। अब आप ही बताओ, क्या नासा का दिया हुआ ये जवाब आप लोगों के लिए काफी है? पॉइंट नंबर 2, रोशनी का केंद्र यानी लाइट सोर्स। जैसा कि हम सब यानी हमारे दादा दादी नाना नानी पापा मम्मी यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता है, वो भी जानता है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ही लाइट सोर्स का केंद्र है जो है सन। फिर भी ये नासा वाले हमारा क्यों क्या काट रहे हैं? अब आप ही बताओ, जब हमारे सोलर सिस्टम में एक ही लाइट सोर्स है जो है सन, उसके बावजूद हमारी परछाई अलग अलग दिशाओं में कैसे बन सकती है? ऐसा होने का कारण सिर्फ यही है कि जिस जगह पे ये वीडियो शूट किया गया था उस जगह पे अलग अलग लाइट सोर्स थे, जैसा कि हमारे फिल्म सेट्स या फिर स्टूडियोज में होते हैं। और नासा ने इस सवाल से बचने के लिए ये तक कह दिया कि चांद का जो सतह है वो ऊबर खाबर है यानी कि गड्ढों से भरा हुआ है, जिसके कारण परछाई अलग अलग डायरेक्शन में बन रहे हैं। भाइयों, इसे ट्राई करके देखो, ये पूरी तरह से गलत बात है। हद हो गई यार झूठ की। पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ इम्पैक्ट क्रिएटर यानी कि गड्ढों की कमी। अब इस बात को गौर से सुनो और देखो, जहां तक बात है इम्पैक्ट क्रिएटर की, आमतौर पर जब बहुत ही पावरफुल रॉकेट लॉन्च होता है तो वो अपने पीछे एक इम्पैक्ट क्रिएटर छोड़ के जाता है, लेकिन नासा द्वारा रिलीज किए गए वीडियोस और फोटोज में ऐसा क्रिएटर नहीं है। जब नासा से ये सवाल किया गया कि रॉकेट के लैंडिंग के समय वहां क्रिएटर बनना चाहिए था, लेकिन वहां ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो नासा वालों ने ये कहा कि जो स्पेसशिप वहां लैंड हुआ था वो काफी हल्का था जिसके कारण वहां क्रिएटर नहीं बना। लेकिन बात तो ये है कि उस स्पेसशिप पे 2 एस्ट्रोनॉट्स भी थे जिनका वजन काफी था उस स्पेसशिप को भारी बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 4, स्टार्स यानी तारे। दोस्तों, हम धरती पे हैं जिस पे एक घना वातावरण है और बादल हैं, जिसके कारण हमें कभी कभी तारे नजर नहीं आते, और अमावस के रात तो हमें चांद भी नजर नहीं आता। लेकिन चांद पे कोई एटमॉस्फेयर ना होने के कारण
तारे हमेशा दिखने चाहिए, लेकिन नासा ने जो पिक्चर्स और वीडियो अपलोड किए थे उनमें तारे मिसिंग हैं। तो दोस्तों, आखिर ये सोचने वाली बात है कि आप चांद पर हैं और चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर भी आप तारे नहीं देख पा रहे हैं। धरती की बात अलग है, यहाँ पे दिन होता है और रात होता है, जिसके कारण हमें दिन में तारे नहीं दिखते, या फिर कभी कभी कुछ लोगों को दिन में भी तारे दिख जाते हैं। तो दोस्तों, इन बातों को सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप हमारे कमेंट में लिखें। मित्रों और उनके भी मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को बजाना ना भूलें, वरना माता रानी पाप लगाएंगी। क्योंकि जानेगा इंडिया तभी तो मानेगा इंडिया। जय हिंद।